मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान की टीम को एज कंपेयर टू इंडियन टीम। ऑल दो कि इंडिया बहुत अच्छी हो गई इस फॉर्मेट के अंदर, बट पाकिस्तान ने जो रिसेंट पास में जो मैच जीता है और जितना कन्विंसिंगली जीता है, यू नो, उसका एक इम्पैक्ट, एक प्रेशर तो होगा इंडिया के ऊपर, यू नो। और डिसएडवांटेज थोड़ा सा पाकिस्तान को यहाँ पे ये है कि उनको दो जो हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, एक मिलती है दिल से और एक मिलती है दिमाग से। दिल पाकिस्तानी दिमाग जो है मुसलमान, इसका ये जज्बे से अगर कोई भी काम करे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी जगह वो मार खाएगा। वक्त आता है, कमी पेशी होती है हर जगह में, लेकिन इंशाल्लाह उनके जहन में ये भी है दूसरा इंडिया है सामने, तो चाहे इस ग्राउंड से हमारे से लड़का कोई लेके जाए, उसको भी आप देख लीजिएगा किस तरह परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, राशिद लतीफ़ और मोहम्मद हफीज़ की बातें सुनी, काफ़ी पॉजिटिव लगे, बहुत सेंसिबल बातें करते हैं ये लोग, अच्छा लगता है ऐसी सेंसिबल बातें होती हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। मैच बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, मैच का इंतजार काफ़ी फैंस को है, क्योंकि ये रिवेंज मैच होगा उसी ग्राउंड पर जिस ग्राउंड पर भारत 10 विकेट से हारा था। पहले वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान की टीम को एज कंपेयर टू इंडियन टीम। ऑल दो कि इंडिया बहुत अच्छी हो गई इस फॉर्मेट के अंदर, बट पाकिस्तान ने जो रिसेंट पास में जो मैच जीता है और जितना कन्विंसिंगली जीता है, यू नो, उसका एक इम्पैक्ट, एक प्रेशर तो होगा इंडिया के ऊपर, यू नो। और डिसएडवांटेज थोड़ा सा पाकिस्तान को यहाँ पे ये है कि नेचली शाहिन शाह जो है वो अनफिट हो गए, वसीम अगेन अनफिट हो गए और वो मैच में मौजूद नहीं होंगे यहाँ पे। तो बॉलिंग में अगर देखा जाए, कंपैरेटिवली फास्ट बॉलिंग में, लाइक, तो मुझे ऐसी पाकिस्तान की कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान का जज्बा है, पाकिस्तान टीम अपनी उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ अगर खेलती है और शुरू में आउट करने में कामयाब हो जाती है अदर बैटिंग फर्स्ट इंडिया या सेकेंड, जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का वो आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, जो फर्स्ट 6 ओवर्स में इंडिया अगर रन अच्छे बना जाता है, तो नेचुरली उसका प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो अप्रोच है T20 को लेकर, जिस तरह खेल रहे हैं, ऑल्दो कि इंडिया नंबर 1 टीम इस वक्त रैंकिंग में हमें नजर आती है, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि कंपीट करेगी और ये मैच जीत सकती है। थैंक यू पी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है हम आपकी बात को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, कल भी हम यही से इंशाल्लाह बात का आगाज करेंगे। राशिद भाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। राशिद भाई, आपसे सिंपल सा सवाल है, उन्होंने कहा कि फेयर एडवांटेज होगा इंडिया को शायद बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या हमें ओपनर्स के पर्सपेक्टिव से फेयर एडवांटेज होगा? हम उसी पे मैच जीते थे प्लस जी, इसीलिए बिल्कुल रिजवान और बाबर दो ऐसे बैटर हैं जो कि थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए। नो डाउट थोड़ा सा इनका रन रेट का इशू रहता है, स्ट्राइक रेट का रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। रिजवान तो ICC के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी हुए और बाबर भी नंबर 1 पे रहते हैं। थोड़ा सा कंसर्न ये है कि हफीज़ भी उस टीम में थे लास्ट टीम में और शोएब मलिक भी थे, अब दोनों उस टीम में नहीं है, जहाँ पे हमें छठे बॉलर मतलब ये पूरे पांचवें बॉलर की तरह बॉलिंग कर सकते थे। बिल्कुल, ये एक डिसएडवांटेज हमें जा रहा है, वो तो शायद ये चीज हमें वीक बना रही है। तो इनकी जगह जो भी प्लेयर खेल रहा है वो शायद बॉलिंग नहीं कर सके, ये डिसएडवांटेज पाकिस्तान को है। और जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम इंडिया हारा हुआ यहीं पे, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ पे जीतने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तो नज़र तो ये ऐसे ही आता है, उनकी टीम ज़्यादा बैलेंस है पाकिस्तान की टीम से, क्योंकि जैसे मोइन ने कहा कि उनके टॉप ऑर्डर हमेशा जहाँ पे वो आउट हुए 3 प्लेयर्स, वहाँ पे वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, दूसरे ममालिक के खिलाफ भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा मैच है, हम इसको 1 के 2, 2 के 3 करना चाहते हैं, लेकिन इसमें भूल गए हमने फॉर्मेट जो 3-3 का रखा है, ये फ्लॉप फॉर्मेट है दुनिया का सबसे। 2007 का वर्ल्ड कप अगर याद करें, इंडिया पाकिस्तान इस फॉर्मेट की वजह से बाहर हो गई थी, और उसके बाद दोबारा ICC में ये फॉर्मेट कभी भी नहीं अपनाया गया, और आज सेम रिपीट किया है श्रीलंका जो हारी है। तो हो सकता है इस फॉर्मेट की वजह से, 3 टीम की वजह से वो फिर बाहर हो जाए, एक अच्छी टीम जो कि 5 दफ़ा चैंपियन है। तो कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच खेलने के लिए आपने एक बहुत बड़ी टीम को हो सकता है बाहर करना पड़े।
एग्जैक्टली दैट्स ट्रू टू एज वेल. थोड़ा सा ऑफसेट भी होगा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन में देखने को मिलेगी. हफीज भाई की तरह तरह बढ़ता हूँ इसी बात के साथ. नहीं नहीं आप सर कैसे हो सकता है ये कि हम आपसे कहेंगे हट जाए, हम थोड़ा आगे हो जाते हैं. हफीज भाई आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है. अभी हमने आज एक ऑफसेट देखा अफगानिस्तान श्रीलंका, लेकिन जब हम बात करते हैं दुबई की तो उन्होंने भी आईपीएल खेला है, हमने भी पीएसएल खेला है. वेरी वेल अवेयर हम दोनों टीमों की बात करें, लेकिन जो राशिद भाई ने आज पहले ही प्रोग्राम में बात हाईलाइट की वो ये की कि भाई उनकी कप्तानी कितनी चेंज हो चुकी है. तो मेरे ख्याल है कहीं हमें कंपेटिटिव एडवांटेज क्या कप्तानी की वजह से मिलेगा, और वही जगह जहां पे आप खेलते थे या जहां पे शोएब मलिक साहब की जगह बनती थी वहां पर आज भी हमें पाकिस्तान को थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो अगर टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप होता है तो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी डोमिनो इंपैक्ट आता है, सारे धड़ाधड़ गिरना शुरू कर देते हैं. क्या कहेंगे आप? देखें इंफॉर्मेशन, पहले तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से बड़ा मैच है. बिल्कुल. और उसको देखने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है, सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन नहीं होते. True. तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है इस मैच का. लेकिन जो मैं हर इंसान को दो हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं. एक मिलती है दिल से और एक मिलती है दिमाग से. दिल पाकिस्तानी है. दिमाग जो है वो भी पाकिस्तानी. नहीं नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन उसके साथ साथ जो फैक्ट्स हैं वो हमने बात जरूर कर दी. बिल्कुल. कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पाकिस्तान इस वक्त लैक कर रहा है. ठीक है. अगर देखा जाए पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो फ्रेजाइल है, उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं है उनके अंदर. अपने अगर पहले तीन बैट्समैन निकाल लें, रिजवान, बाबर और फखर, इन तीन के बाद हमारे पास अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी. बिल्कुल नहीं. अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कि ये प्लेयर बुरे हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा मुश्किल मैच नहीं जितवाया हुआ जिसपे हम लोग इनके ऊपर खड़े हो सके, इन पे रिलाय कर सके, या अपने ऊपर वाले तीन बैट्समैनों को एक रिलीफ दे सके कि यार तुसी जाके खुला खेडो, जो है सी कर लेंगे. ठीक है. मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल मिस शोएब मलिक बैडली एंड मोहम्मद हफीज टू. नो, आई एम डन, आई एम हैप्पी दैट आई एम डन. कह दिया, लेकिन हम जिंदगी में आगे चलना है. ये बच्चे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मलिक अवेलेबल था, मलिक खेलना चाहता है. He is showing his fitness everywhere. He is performing everywhere. एक mindset से उसको ना खिलाना बहुत बड़ी जाती है. True. अगर वो 40 साल का है और वो बाकियों से ज्यादा फिट है और आपको अगले 6 माह 8 माह दे सकता है. बिल्कुल. टेक दैट. लेकिन ये एक mindset है, इसको हम लंबी बाद में बात कर लेंगे. लेकिन मिडल ऑर्डर बैटिंग पाकिस्तान की जो है वो उस शेप में नहीं है. और बहुत बड़ा एक्स फैक्टर, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली जो पाकिस्तान ने हिट किया पिछला मैच जीत के, वो इस वक्त हमारे पास नहीं है. वो शाहीन है. बिल्कुल. अब शाहीन के जाने के बाद आप सोचें कि रोहित शर्मा और के राहुल और सिर्फ टोल बजाते होंगे अंदरों कि यार वो लेगा. बिल्कुल. और हमने उसकी रिप्लेसमेंट भी कोई रेडी करने की कोशिश नहीं की कि अगर हमारे पास कोई और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अंदर लाने वाला, क्योंकि हमने देख लिया ये कैरियर है. मेरा कैरियर था ना, मैं आउटस्विंग के ऊपर सारी जिंदगी फंसे हैं. तो इसी तरह रोहित शर्मा जो है वो अंदर आते बॉल पे लेफ्ट आर्मर के ऊपर फंसता है, तो आपने क्यों नहीं रखा? बिल्कुल. तो अब आपके पास ऑप्शंस भी आई, लेकिन आपने बाकी सबको घास नहीं डाला. जी. तो मुझे ये लगता है कि ये एक मिसिंग पार्ट है पाकिस्तान की प्रिपरेशन के अंदर. जी. दो आपके मेन बंदे जिन पे आप रिलाय कर रहे थे, शाहीन की शक्ल में जी. या वसीम जूनियर की शक्ल में, दोनों नहीं है. बिल्कुल नहीं है. और मुझे सबसे बड़ा जो है वो मसला यहां पर नजर आ रहा है कि या तो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, और अगर हैं और आप नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि एक माइंडसेट है. बिल्कुल. तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इंडिया की तरफ जाऊं, ये मैं दिमाग की बात कर रहा हूं, दिल की नहीं. दिल से पाकिस्तानी और मैं चाहता हूं कल पाकिस्तान मैच जो है फड़का दे. लेकिन फैक्ट्स फैक्ट्स हैं. लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर इंडिया इस वक्त बेटर टीम. ठीक है. नंबर वन इन रैंक, द बैटर्स आर डूइंग वेल. और वो जो एक्स फैक्टर जिसने उनको हिट करना था, ही इज नॉट देयर. एग्जैक्टली. शाहीन इज नॉट देयर और हमने उसकी कोई रिप्लेसमेंट रखने की कोशिश ही नहीं की. बिल्कुल. हमारे पास ऑप्शंस आई, वी वेंट टू द अदर वेज. ठीक है. बात ऑब्वियसली बड़ी मजेदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन इस बात को मैं कल के लिए महफूज करना चाहता हूं. उसकी वजह यह है कि अगर हम आज का मैच भी अपने सामने रखें तो जो हमने बातें की थी उस हिसाब से मैच डिडंट टर्न आउट टू बी. और मेरे ख्याल है जब भी क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम. वो इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. और ऑब्वियसली आपने तैयारी कर ली, आपने मैदान में उतरना है, आपने तैयारी करनी है. और अब मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान भी तैयारी करें, हम भी तैयारी करें, हम इनको रेस्ट भी कराना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच मोइन भाई फॉर बीइंग विद अस. लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन. राशिद भाई थैंक यू सो मच. हफीज भाई थैंक यू सो मच. बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जब कल इंशाल्लाह ये टकराव होगा तो मैं समझता हूं कि देखने वालों को भी मजा आएगा. हमारे साथ जुड़े रहिएगा. लेकिन जाने से पहले मैं एक दफा फिर तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसको लेकर अब मीडिया की हाइप पड़ी और एक्साइटमेंट आप देख सकते हो.
इस मैच को लेकर मतलब भारत के फैंस और पाकिस्तान के फैंस डेफिनेटली इंतजार करते हैं। भारत के फैंस इस बार ज़्यादा कर रहे थे, ऑब्वियसली लास्ट टाइम हम इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे, जिसकी वजह से वो एक रिवेंज वाली फीलिंग आ रही है फैंस के अंदर और ऐसा लग रहा है कि यार ये तीन मैच हों पाकिस्तान के साथ और तीनों के तीन हराए जाएँ। और फिर नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट के अगले मंथ अक्टूबर में 24 तारीख को या 24 या 23 को आई थिंक वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ सामना होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ सामना होगा, तो वो एक मैच। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छा है प्लेयर जो है वर्ल्ड कप के लिए ही सिलेक्ट करने, तो उनको ये तीन मैच से काफ़ी प्रेशर वाली सिचुएशन में खेलने का आदि बनाएं और फटाक से अच्छा परफॉर्मेंस दें जो अगले साल वर्ल्ड अगले महीने के बाद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप होना है। राशिद लतीफ़, मोहम्मद हफीज़ मुझे काफ़ी सेंसिबल लगे हैं। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो इनको ऐसे क्रिकेटर रहते हैं ना जो आग में घी डालते हैं, ये ऐसे नहीं है। मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगे मोहम्मद हफीज़, इनको मैंने देखा है सुना है काफ़ी सेंसिबल हैं और खेलते भी बड़ा अच्छा था। और लास्ट के अभी कुछ ईयर्स में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त खेला था, मतलब काफ़ी टची प्लेयर थे, टच कर करके छक्के मारे इन्होंने और बॉलर भी अच्छे थे। हालांकि इनसे एक वर्ल्ड कप में आपको याद होगा डेविड वॉर्नर को एक इनसे बॉल मतलब छूट गई थी और डेविड वॉर्नर ने वो दूसरे पिच में जाकर छक्का मारा था, जिसको लेकर गंभीर ने इनका साथ दिया था, बोला था कि आप कहाँ गई आपकी वो क्रिकेट में जो ज्ञान देते हैं जो स्पोर्ट्समैन स्प्रिट कहाँ गई, ये ऐसा कुछ गंभीर ने शायद उस टाइम पे ट्वीट किया था, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ ट्वीट था। तो हफीज़ भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। अब मैच की बात करें तो दोस्तों मैच भारत पाकिस्तान का डेफिनेटली दोनों टीम अपने मेन बॉलर मिस कर रही हैं, बुमराह यहाँ से, शाहीन शाह अफरीदी वहाँ से। तो मैच मैं भारत के मिडिल ऑर्डर पर ज़्यादा विश्वास करूँगा क्योंकि जो लगातार खेलता हुआ आ रहा है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये तीन की प्लेयर्स होंगे और अगर लोअर मिडिल ऑर्डर पे मौका मिलता है डीके को तो वो भी होंगे। पाकिस्तान की थोड़ी सी बॉलिंग मुझे कमज़ोर लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर केवल एक ही फास्ट बॉलर है जो पुराना है, हारिस राउफ, उसके अलावा कुप्सा हसन अली शायद टीम में ऐड कर लिए गए हैं, पता नहीं ज्वाइन की है नहीं की है। हसन अली भी बड़े प्लेयर हैं लेकिन वो बेचारे वैसे भी बहुत प्रेशर से जूझ रहे हैं, वो आपको पता है कि उन्होंने कैच ड्रॉप किया था मैथ्यू वेड का जिसके बाद से उनका